विवेक है, ये विराज है। हाय हाय विराज, हाय 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 शंकर। राज सही है मैम। Hi, welcome back to Sevi Diaries. So today is our second day here at Ranthambore, and we are going to Ranthambore Fort today. It's 6 a.m. in the morning and we are ready for the day today. So we are having some snacks here. So jo Ranthambore Fort hai, it lies within the Ranthambore National Park. This is okay. Vivek hai ye Viraj hai. Hi. Hi Viraj hai. Say hi to uncle. We are going to JJ karne ja rahe hain. अच्छा, हमने कृष्णा को देखा था पिछली बार अपने कब्ज के साथ में। So this route is common for both safaris and fort. You have to be very careful while going on this route, क्योंकि आपको इस रूट में टाइगर्स, लेपर्ड ये सब कुछ दिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लकी होना होगा। So you have to be very careful, क्योंकि ये आपकी खुद की सेफ्टी के लिए है। एंट्री फॉर जोन 4 एंड 5, जहाँ पर हमको लास्ट टाइम जोन 4 में कृष्णा दिखी थी, वेदा 3 एडल्ट कप्स। हम लोग जा जरूर रणथंभौर फोर्ट के लिए हैं, बट हमें जंगल से ही जाना होगा। So we have to keep an eye on each and every area of this forest, क्योंकि यहाँ पे किसी ना किसी टाइगर की टेरिटरी होती है। जो कि हमें थोड़ा सा क्लाइंब करके ऊपर रणथंभौर फोर्ट तक जाना होगा। थोड़ा समझ है, धूप है थोड़ी सी, बट विल मैनेज। हमें हमारे गाइड बता रहे हैं कि ऊपर फोर्ट पर जाके काफी मंदिर हैं, जहाँ पर बाहर से लोग आके विजिट करते हैं। एंड व्हेन यू रीच द टॉप ऑफ द फोर्ट, यू गेट टू सी द ब्यूटीफुल पैनोरमिक व्यू ऑफ रणथंभौर नेशनल पार्क। तब जैसे जैसे स्टेयर से ऊपर चढ़ते जाओगे, यू विल फाइंड लाइक सो मेनी स्पॉट्स जहाँ से आप व्यू देख सकते हो। यू कैन हैव ब्यूटीफुल पिक्चर्स फ्रॉम देयर, और देख सकते हो आप यहाँ से, यू कैन सी द लेक।
मंकी कहाँ लगे? मंकी कहाँ गए? So you can get an idea from here only कि कितना सुंदर है रणथंभौर नेशनल पार्क. नीचे पार्किंग है रणथंभौर फोर्ट की. यहाँ से हमें दो लेक दिख रही हैं, एक पदम तालाब है और वहाँ पर राजबाग तालाब है और बीच में रुइंस हैं. Yes, Viraj. Yes. तो ये ऐसा फोर्ट है जहाँ पर आपको अंदर जब जाते हैं आपको बहुत केयरफुल होना होगा क्योंकि आपको यहाँ पर रास्ते में कोई भी वाइल्ड एनिमल मिल सकता है. सो बी केयरफुल एंड गो विद द ग्रुप ऑफ पीपल हियर. इंडिया के अंदर 15 सेंचुरी के बाद जब बाबर आया उससे पहले जो अपना प्रोटेक्शन लोग करते थे अपने फोर्ट को प्रोटेक्ट करते थे. जो होल दिख रहे हैं मतलब यहाँ से फर्स्ट डोर है वो नहीं रह जाएगा. एक दिन थोड़ा काम 700 साल यानी 30 सेंचुरी के बाद मेरे भाई मूल टाइम का है 700 साल से ऊपर हो गए. पहले जो रॉक प्लेट थी उसको रोकने के लिए आयरन तो उसको नहीं कर सकते बड़े पुल बना नहीं सकते. तो यहाँ से दोनों लेक नजर आ जाती है. ये फर्स्ट लेक है पदम लेक वो सेकंड लेक है राजबाग लेक. राजबाग लेक में भी एक गार्डन है जो फोर्ट का पार्ट है. ये जो आप जंगल देख रहे हो फोर्ट के आसपास इट्स वर्ल्ड फेमस. हम लोग यूएस गए थे वहाँ पे ऑरलैंडो में एक एनिमल किंगडम करके पार्क है तो वहाँ पर उन्होंने सारे कंट्रीज का थीम उठाया हुआ था और उन्होंने उसी तरीके से वहाँ पे एनिमल्स प्लेस किए हुए थे. तो जो उन्होंने टाइगर जो प्लेस किए थे वो इस तरीके के फोर्ट के वॉल्स के अगेंस्ट में प्लेस किए हुए थे. तो उन्होंने पक्का यही रणथंभौर से वाला थीम उठाया होगा. सो इट मेक्स अस रियली प्राउड कि हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे टाइगर्स आपको जंगल में ही नहीं आपको इस तरीके से फोर्ट के आसपास दिखते हैं. This fort is spread across 7 to 8 kilometers. और इसमें काफी सारे हिंदू टेम्पल्स हैं. एक जो हम जिसके लिए दर्शन के लिए आए हुए हैं त्रिनेत्र गणेश जी टेम्पल. देन देयर इज वन शिवा टेम्पल और यहाँ पर जैन टेम्पल्स भी हैं और यहाँ पर दरगाह भी है. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू सी इनसाइड द फोर्ट. लेवल में वाटर आ जाता है अब सूख गया. इसके जस्ट पास में वेल बना हुआ है इसको फिल्टर करके इस पानी को यहाँ पे दो बार सामने. तो ये टेम्पल किसी वक्त ये फोर्ट रणथंभौर फोर्ट बूंदी स्टेट के अंदर में रहा था. तो बूंदी की लेडी थी जो यहाँ पे दौड़ कर और इस तरीके के छोटे छोटे पॉन्ड्स भी हैं. दिस स्टेप वेल आल्सो 30 किलोमीटर आपको 30 किलोमीटर. वैसे यहाँ की जो मंकी है ना किसी को हार नहीं करते सबसे बड़ी खासियत ये मोबाइल अपना और कोई चीज रखी तो उसको उठा लगा डर लग रहा है. If you are visiting Ranthambore Fort, don't forget to visit this 32 khamba. It's made of 32 pillars and it's on one side of the hill. और इसके जस्ट नीचे एक शिवा टेम्पल है जो लोगों को दिखता नहीं है क्योंकि वो अंडरग्राउंड है. और कहा जाता है कि यहाँ पे जो राजा हमीर थे वो फ्रीक्वेंटली विजिट करते थे शिवा टेम्पल को. आज हमारा फर्स्ट डे है रणथंभौर एक्सप्लोर करने का. तो हमें सबसे पहले मंगूस दिखा है और हम लोग गणेश जी के टेम्पल में आए हैं दर्शन करने के लिए. सो यस good luck signs had started. aa jaiye na kya ho beta eh garmi lag gayi aapko kitna ho aap usko eye contact nahi karna shiv mandir hai.
हमने सबसे पहले शिव मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और हम लोग यहाँ पर मई में आए हैं जो कि कड़ाके की गर्मी है, 45 डिग्रीज टेम्परेचर है यहाँ पर दिन में, और विराज के लिए बहुत एक्सट्रीम वेदर हो जाता है ये। लेकिन मैं इस बच्चे की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। बच्चा मेरा जरूर है बट लेकिन उसका जो हमारे साथ जो उसकी ट्रैवल रही है, उसने लेह लद्दाख किया है, जैसे मैंने आपको पहले भी काफी बताया होगा, वो भी एक एक्सट्रीम कंडीशंस थी। फिर उसने हमारे साथ में जिम कॉर्बेट किया, वो एक्सट्रीम विंटर्स में किया, और अब यहाँ पे वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे साथ में है। और अब हम लोग गणेश मंदिर की तरफ जा रहे हैं। इट्स अ मेजर अट्रैक्शन ऑफ द फोर्ट। पब्लिक प्लेस होगी तो लोग बाग डिस्टर्ब करके, वरना जितने भी एंट्रेंस अपन ने पास किए उन पे सभी पे पिलर जो एंट्रेंस है उसमें बहुत सारे कार्य वर्क करते थे, लोग बाग तोड़ तोड़ के लेगी, उठा उठा के लेगी, कई चीज़ें अभी भी लोग बाग ले जाते हैं। खंडरों में तब्दील कर दिया क्योंकि पता नहीं क्या थोड़ी थोड़ी सोचते हैं कुछ मिल जाए यहाँ। जहाँ जाते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना वो डाले थे यार, यहाँ मैं ये मांग लूँ, यहाँ इनसे मैं ये ले लूँ, यहाँ इनसे ये आशीर्वाद ले लूँ। वो अपनी अपनी इच्छाएं तो पूर्ति होती नहीं, ये इन लोगों ने विश मकान के लिए करी और यहाँ से के बाद जो अपना मकान होना ले जाते हैं, वहाँ पत्थर इकट्ठा करते ही करते हैं गणेश जी के वो सिद्धि सिद्धि और दो सन सुमन लाभ, वो 500 पत्थर घर पे ले जाकर रखते हैं ताकि उनका पूरा परिवार। So this is the first Trinetra Ganesh temple and the oldest temple of Lord Ganesha in India. तो जो यहाँ पर लोग आते हैं वो अपनी सारी इच्छाएं, मतलब जो भी उनके मन में होती है उसकी प्रेयर के लिए यहाँ पर आते हैं। ऐसे बताया जाता है जो मेन जो है यहाँ पे जो मेल्स आती है, जो वेडिंग इन्विटेशन आते हैं गणेश जी के लिए, क्योंकि हमारे हिंदुओं में कि हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले जब इन्वाइट भेजते हैं वो गणेश जी को भेजते हैं। और जैसे हमारे गाइड ने बताया यहाँ पे गणेश जी अपनी पूरी फैमिली के साथ में है, अपनी दोनों वाइफ रिद्धि सिद्धि, उनके दोनों जो सन है शुभ लाभ, और जो उनका वाहन है मूषक, वो सबके साथ में यहाँ पर विराजमान है। और जो गणेश जी की मूर्ति है यहाँ पर वो स्वयं से प्रकट हुई मूर्ति है। तो यहाँ के जो राजा थे हमीर देव चौहान जी, उनकी जब अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ाई हो रही थी और वो काफी टाइम तक चली थी लड़ाई, तब उन्हें गणेश जी ने आकर सपने में दर्शन दिया था, उन्हें कहा था कि आप यहाँ पर पूजा करवाइए। तो जब वो यहाँ पर गए तो वहां पर अपने आप से गणेश जी की मूर्ति यहाँ से निकली है और वही यहाँ पर स्थापित की गई है। तो ये हमारे गणेश जी का जो मंदिर है, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल्स ऑफ गणेशा। तो ये हमारा सौभाग्य कि हम यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हैं। महाराष्ट्र होता है गणेश फेस्टिवल के दौरान एक मेला लगता है यहाँ पे साल में, तो सारे लोग जितने भी आते हैं माला निकालना पता फूल भी खाते हैं नहीं प्रसाद चढ़ गया। ये लो देखो देखो छोटे से मंदिर में रहते को छोटे से मंदिर अजय मंदिर खा लो विराज जी खा लो मंदिर खा लो विराज जी खा लो मंदिर खा लो प्लीज मंदिर हां छोटे से मंदिर हां छोटे से मंदिर लो। तो आपने देखा यहाँ पर बंदर ज्यादा खतरनाक नहीं थे, लंगूर हैं तो इतने ज्यादा खतरनाक नहीं थे, दे जस्ट वांट टू फीड देमसेल्फ्स। शिव जी के मंदिर के बाद हम लोग गणेश जी के मंदिर गए, पिता के बाद पुत्र के मंदिर में गए, और अब यहाँ पे दिगंबर जैन मंदिर भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर काफी सारे मंदिर मैंने बताया यहाँ पर है, और हम लोग वापस अब अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। ये पुराना जो मेटेरियल है उसमें काम में ले रहे हैं। नहीं, नहीं,
तो अगर आप लोग रणथंभौर नेशनल पार्क के लिए आ रहे हैं, टाइगर सफारीज के लिए आ रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर रणथंभौर फोर्ट जरूर आइए, क्योंकि आपको यहाँ पर सफारी तो करने को मिलेगी मिलेगी, लेकिन जो आपको फोर्ट पर आपको जो आके आपको अपना हिस्ट्री, आपको अपना जो कल्चर देखने को मिलेगा, वो आपको इंडिया के किसी भी जंगल में नहीं मिलेगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो आज गणेश जी के दर्शन के बाद हम वापस जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट ओबेरॉय वन विलास, जहाँ पर विराज मिलेगा लक्ष्मी से। वेरी नाइस। अब पानी बाय 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 मेरे पास आके करो बाय कर क्या लाओ जाओ पाजे के बनाओ बना बना के आओ एलिफेंट की। तो आज हमारे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी रही है, हम दर्शन करके आए हैं एंड नाउ वी आर बैक टू आवर रिजॉर्ट, और आज आप लक्ष्मी से मिले हैं, और जो हमारा नेक्स्ट जो ब्लॉग होगा वो लक्ष्मी के साथ ही होगा। सो बी विद अस एंड वी आर हियर फॉर 5 more days, और आप देखिए हम लोग यहाँ पर क्या क्या और एक्सपीरियंस करते हैं। थैंक यू।